this video we are going to study for class 5 chapter number 6 be my multiple and I'll be your factor common multiples topic we have covered in the last video and even I have explained you what are factors so I recommend you to please watch those two videos I'll be providing the link in the description part and then move for this video today we are going to discuss page number 96 of your textbook. See, this is page number 97 of your textbook. What is factor tree method and how to draw it? So see, here you can see the two trees, factor trees, and what they are telling is, look at the factor tree. Now, can you make the another factor tree like this? So here you can see that 18 is splitted in 9 twos are 18, and then again 9 is splitted in 3 threes are 9. See, before studying this method, you should know what are prime numbers and what are composite numbers. Prime numbers are the numbers which have only two factors, one and the number itself. जिसके दो ही factors होते हैं, एक तो one होगा और एक number खुद होगा. Fine. और composite numbers क्या होते हैं? जिनके दो से ज़्यादा factor होते हैं, उसे हम composite number बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको दूसरा फैक्टर ट्री बनाना है 18 का ही. देखो, अब 18 को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं ना, जैसे 6 3 जा 18. अब 3 तो प्राइम नंबर है, तो जब प्राइम नंबर आ जाता है तो उसका कोई स्प्लिटिंग नहीं होता है. फाइन, लेकिन 6 का हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं 3 2 जा 6. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. एंड बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक द फैक्टर ट्री मेथड फॉर 24 इन 3 डिफरेंट वेज. सो वी विल सी दैट ऑल्सो. सो लेट्स जम्प टू द सॉल्यूशन. सी हियर यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 97. 18 आई हैव डन, 6 3 जा 18 एंड 6 देन आई हैव डन 3 2 जा 6. Likewise, you have to draw the factor tree. This is like a tree. This looks like a tree. Here you can see the branches. Fine, जो branch आपकी नहीं बनती है, जिस number से आपकी branch नहीं निकलती है, वो आपका factor हो जाएगा. Fine, जैसे देखो, यहाँ पे 24 का बोला था कि आपको तीन तरीके से 24 को क्या करना है, split करना है. तो हमने कर दिया. First way की अगर हम बात करें तो किस तरीके से करा है, 4 6 जा 24. 4 को अगेन हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 2 जा 4. 6 को अगेन हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 3 जा 6. फाइन, अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स आ गए वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इनकी कोई ब्रांचेस नहीं बनेगी. तो यहाँ पे आपका फैक्टर ट्री स्टॉप हो जाता है. सेकंड तरीका आपका हो जाएगा 3 8 जा 24. 8 को आप स्प्लिट कर सकते हो 2 4 जा 8. 4 को अगेन आप स्प्लिट कर सकते हो 2 2 जा 4. सो ये जो नंबर्स आ गए, ये आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि इनकी अब कोई भी ब्रांच नहीं बनेगी. फाइन, थर्ड तरीका जो यहाँ पे है वो क्या हो सकता है हमारा, 12 टू ज़ा 24. फाइन, 12 को अगेन आप स्प्लिट करो 3 4 ज़ा 12. 4 को अगेन स्प्लिट करो 2 टू ज़ा 4. सो यहाँ पे फाइनल जो आपके फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 इज़ हाउ मेनी टाइम्स, 2 इज़ 3 टाइम्स एंड 3 इज़ 1 टाइम. सो फ्रॉम ऑल द 3 वेज यू विल बी गेटिंग दिस फैक्टर्स ओनली, 2 इज़ 3 टाइम्स एंड 3 इज़ 1 time. You can see here 2 is 3 times and 3 is 1 time. Again here 2 is 3 times and 3 is 1 time. Again here 2 is 3 times and 3 is 1 time. So आप कोई भी तरीके से करो, आपको factors तो same ही मिलेंगे. Fine. अब आगे आपके textbook में क्या बोल रहे हैं कि आपको other numbers के लिए try करना है. तो हमने यहाँ पर दो numbers के लिए आपको बताया है. एक तो हमने factor tree बनाना बताया है 36 के लिए, दूसरा आपको बनाना बताया है 48 के लिए. Let's see. Fine, see, it is very easy and it is scoring also. 36 का देखो, हम branches बनाएंगे 12 3 जा 12. को अगेन हम split करेंगे 3 4 जा 12. 4 को अगेन हमने split करा 2 2 जा 4. एक तरीका तो आपका ये हो गया. दूसरा तरीका आपका हो जाएगा 18 2 जा 36. 18 को आप split करो 2 9 जा 18. 9 को split करो 3 3 जा 9. फाइन, अब आपको ये स्प्लिट तब तक करना है जब तक आपको प्राइम नंबर्स ना मिले. यहाँ पे हमने देख लिया कि हम प्राइम नंबर्स तक पहुँच गए, इसलिए फिर हमने स्प्लिट करना छोड़ दिया. सिमिलरली थर्ड तरीका आपका क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36. 4 को आप स्प्लिट कर सकते हो 2 2 जा 4 एंड अगेन 9 को स्प्लिट कर सकते हो 3 3 जा 9. ये आपका तीसरा तरीका हो गया. इन तीनों तरीकों में से हमने ये देखा कि जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो क्या है, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 2. ठीक है, अब आप तीनों में चेक कर सकते हो, आपको 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 2 नज़र आएगा. 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3. फाइन, एंड द लास्ट वन तो हमने देखा ही था.
फाइन, तो फाइनल जो आपका आंसर बनेगा वो ये बनेगा, दिस इज नोन एज फैक्टर ट्री मेथड, इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द फैक्टर्स। फॉर द नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो 48 को अगर हमको फैक्टर्स करने हैं तो हम कैसे करेंगे, एक तरीका है 16 3 ज़ा 48, 16 को स्प्लिट कर दिया, 4 4 ज़ा 16, 3 को नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। फाइन, 4 को अगेन स्प्लिट करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, अगेन दिस 4 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर ये फैक्टर ट्री आपका ख़त्म हो जाता है। अगर दूसरा तरीका क्या है, 12 4 ज़ा 48, 12 को हम स्प्लिट करेंगे, 4 3 ज़ा 12, अगेन दिस 4 विल बी स्प्लिटेड इन 2 2 ज़ा 4, एंड इस 4 को हम स्प्लिट करेंगे 2 2 ज़ा 4 में, यहाँ पे ये फैक्टर ट्री आपका ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमारे पास अब जो ब्रांचेस हैं वो सारी प्राइम नंबर्स की हैं तो हम उसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फाइन, वो आपके फाइनल फैक्टर्स हो जाएंगे। देखो थर्ड आपका वे क्या हो सकता है, 48 को आप स्प्लिट कर सकते हो, दिस इज़ द थर्ड वे वी आर सीइंग, 6 8 ज़ा 48, 6 को स्प्लिट करेंगे 2 3 ज़ा 6, 8 को स्प्लिट करेंगे 2 4 ज़ा 8, इन तीनों नंबर्स का कुछ नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज दे आर प्राइम नंबर्स। 4 को स्प्लिट करेंगे 2 2 ज़ा 4, फाइनल आपके जो फैक्टर्स निकल के आएंगे वो क्या आ जाएंगे, फाइनल फैक्टर्स आ जाएंगे 2 2 2 2, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स 2, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लिखा है, एंड लास्ट में है आपका 1 टाइम 3। सो दीज आर द फैक्टर्स यू आर गेटिंग फ्रॉम ऑल द 3 मैथड्स, आप कोई भी मैथड फॉलो करो आपको जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा सेम ही मिलेंगे। फाइन, आप देख सकते हो जो ऊपर हमने फैक्टर ट्री बनाया है उसमें भी आपको 4 टाइम्स 2 मिल रहा है और 1 टाइम 3 मिल रहा है, 4 टाइम्स 2 मिल रहा है एंड 1 टाइम 3 मिल रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर ट्री मैथड, हाउ यू कैन मेक द फैक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर यूजिंग द फैक्टर ट्री मैथड। Fine. I hope everybody understood what I've explained in this video. If any doubt is there, you can comment me in the comment section. If you really understood and liked my video, please give it a like, share it among your friends and subscribe my channel to get more such videos. Thanks for watching.